गजाननम्बूतराधिशीवितम् कपेत्थेऽम्बुफलचार्वक्यणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरोर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुर्वे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत्। सविद्वारने को छोड़कर आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली। जरा मेरी ओर निहार कथा प्रारंभ होते है सुनहु बीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषि वरों श्री बैसंपायन जी महाराज राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी सांदीपन गुरु के यहां पर पधारे। नंद जी ने बड़ा ही आदर सत्कार किया। सांदीपन गुरु को आदर सत्कार किया गया। गर्ग जी ने कहा कि मैं वसुदेव जी के पुत्र का नामकरण संस्कार करने आया हूं। नंद बाबा ने कहा कि भगवान, हमारे गुरुदेव शांडिल ने कहा है कि आप ज्योतिष के प्रचंड विद्वान हैं, आपको स्वयं भगवान से साक्षात्कार है, कृपा करके आप हमारे पुत्र का भी नामकरण संस्कार एक साथ में कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। गर्ग जी कहते हैं कि हे नंद जी, ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा जो मैं आपके पुत्र का भी नामकरण संस्कार करूं, परंतु कहीं कंस ने तुम्हारे पुत्र को देवकी वसुदेव का पुत्र समझ लिया, क्योंकि मेरे द्वारा नामकरण संस्कार होने पर उन्हें हो गया कि ये तो यदुवंशियों के पुरोहित हैं, ये देवकी वसुदेव का पुत्र हो सकता है, तो तुम्हारे पुत्र को देवकी वसुदेव का पुत्र समझ लिया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा कि आप चिंता ना करें, गौशाला में एकांत में दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दें, इसमें किसी को भी पता ही नहीं चलेगा कि इनका नामकरण संस्कार कहाँ हुआ है, एकांत में नामकरण संस्कार कर दें। गर्गाचार्य जी ने हवन पूजा पाठ विधि विधान से किया। विधि विधान से करके सबसे पहले बड़े पुत्र रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि हे नंद, ये तुम्हारे घर में जो रोहिणी का पुत्र है वसुदेव देवकी का पुत्र है, वसुदेव रोहिणी का जो पुत्र है, इसके तीन नाम होंगे। इसका नाम राम, बलवान होने के कारण बल, और सबको अपने वश में रखने के कारण सता। किसी समय पर यह देवकी का पुत्र भी था, योग माया के द्वारा संकर्षण करने के कारण इसका नाम संकर्षण भी होगा। सभी को आनंद प्रदान करेगा, सभी का बड़ा ही ख्याल रखेगा, इसलिए इसका नाम बल होगा, और बलवान भी होगा, और राम भी होने से इसको लोग बलराम कहकर के पुकारेंगे। सभी यदुवंशियों में एकता रखेगा, अपने वश में रखेगा, और ये हर युग में हर समय पर तुम्हारे छोटे पुत्र तुम्हारे लाला की सेवा करने के लिए प्रकट होता है,
इसका भगवान के प्रति अवतार होता है, हर अवतार में सहायता करता है। बलराम जी के गर्गाचार्य जी ने अनेक प्रकार से विविध प्रकार से गुणों का वर्णन किया। अब कहने लगे कि बाबा तुम्हारी लाला के नाम का संस्कार कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारा लाला जो है वासुदेव कृष्ण आदि नामों से पुकारा जाएगा, इसके गुण और कर्म बहुत हैं, अनंत गुण हैं, अनंत कर्म हैं, प्रत्येक अवतार में अनंत गुणों को धारण करता है, इसके रहस्य को कोई भी नहीं जान पाता, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये सुनकर के नंद बाबा यशोदा मैया मुस्कुराने लगी कि भगवान आप ही क्या कह रहे हैं, मेरा छोटा सा लाला अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी कैसे हो सकता है। गर्गाचार्य जी शांत हो गए, भगवान ने उनके मन में इशारा किया कि वेद ना खोलें। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं तुम्हारे पुत्र का प्रत्येक युग में अलग अलग स्वरूप होता है, ये रंगों को बदलता है, सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता युग में नील वर्ण, द्वापर में श्याम वर्ण और कलयुग में काला वर्ण होगा। तुम्हारा पुत्र धर्म की रक्षा करता है, युग युग में अनेक प्रकार के लीलाथ विग्रह धारण करता है, इसलिए इसको कहा जाता है शुक्लो रक्त स्थितता पीता इदानीम कृष्णताम गता। अनेक प्रकार से ये तेजस्वी होगा, ये संसार को अपने प्रेम से आनंदित करेगा, प्रेम की परिभाषा का संसार में प्रचार करेगा। हे बाबा ये दोनों ही बालक बड़े ही तेजस्वी पराक्रम में होंगे, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा। ये कह करके गर्गाचार्य जी चले गए। नंद जी बड़े प्रसन्न हुए, नंद बाबा दोनों बालकों के साथ रहते हैं। कालेन नालपेन राजर्षे राम कृष्ण से गोकुले अग्रेष्ट जानवी परी भविचक्रम रंजसा। समय का चक्र बड़ा बलवान होता है, नंद बाबा अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानते हैं, बाल कृष्ण की लीलाएं देखते रहते हैं। कहते हैं नंद बाबा की एक लीला और आती है, इस लीला में कहा जाता है एक बार नंद बाबा बाल कृष्ण को लेकर के छोटे से कन्हैया हैं, जिनको अभी ज्यादा बोलना भी नहीं आता, तुतलाते हैं। नंद बाबा एक दिन गऊ चराने चले गए। नंद बाबा गऊ चराने जाते हैं, एक दिन गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा था कि नंद बाबा तुम्हारा ये लाला कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण का ही स्वरूप है, आप इसमें पुत्र भाव रख करके इसकी सहायता करें, इसकी रक्षा करें। बाबा इसकी प्रेम का श्री राधा रानी है, जो आदिनी शक्ति है, अनंत ब्रह्मांडों की स्वामी है। इधर ब्रिस्वान के यहां पर राधा रानी का अवतार हुआ। नारद जी स्वयं राधा रानी के दर्शन करने के लिए आए। नारद जी ने देखा, नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि जब स्वामी ने अवतार लिया है तो राधा रानी का अवतार अवश्य हुआ होगा, गोलोक वासिनी गोलोक स्वामी का जो आदमी शक्ति है अनंत ब्रह्मांडों को सृजन करती है उनका अवतार अवश्य हुआ होगा। नारद जी नारायण नारायण की धुनी लगाते हुए राधा रानी की दर्शन की अभिलाषा लेकर के ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं। ब्रजवान के महलों से नारद जी को अचानक आकर्षण सो आया। नारद जी गए, ब्रजवान जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने एक पल्ले में लेटी हुई किशोरी जी को देखा। किशोरी जी को देख करके नारद जी ने प्रणाम करा। ब्रजवान जी किसी काम से
इधर उधर हो गए। नारद जी को किशोरी जी ने अपने जुगल रूप के दर्शन कराए। कहा जाता है किशोरी जी लाला से पहले अवतार ले चुकी थी, आज वही किशोरी जी की लीला भी साथ में प्रारंभ होने जा रही है कि जिनका सारांश रूप में हरिवंश पुराण में वर्णन है। विस्तार से तो पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण में वर्णन है। आज नंद बाबा लाला को लेकर के वन में गए हुए हैं, गौ चराने गए हुए हैं। नंद बाबा गाय चरा रहे हैं, अचानक से आंधी बरसात आने लगी, भयंकर आंधी आ रही है, बरसात होने लगी। लाला गोदी में है, प्रेम के कारण बाबा लेकर के तो आ गए हैं। बाबा जी व्याकुल हो गए कि इतनी बरसात में मैं कन्हैया को लेकर के आ गया हूं, कैसे करूं क्या करूं, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करो। उसी भयंकर आंधी बरसात में सामने से देखा कि एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, उस दिव्य तेज में 5 वर्ष की कन्या दिखाई दे रही है। कहा जाता है किशोरी जी कभी 14 वर्ष से बड़ी नहीं होती। राधा रानी को किशोरी इसीलिए कहा जाता है, वो हमेशा किशोर रहती है, युवावस्था में प्रवेश नहीं करती। और कन्हैया को युगल सरकार इसलिए कहा जाता है, युगल योरी, कि कभी भी कन्हैया 16 वर्ष से बड़े नहीं होते, हमेशा चाहे नाती पोती वाले हो गए थे उस समय द्वारका में, परंतु अवस्था 16 वर्ष की रहती थी। सामने दिव्य तेज प्रकट हुआ, हे राजन सामने दिव्य तेज से 5 वर्ष की बालिका आई है, आकर के कह रही है बाबा इस लाला को मुझे दे दे, लल्ला को मैं ले जाती हूं। नंद बाबा समझ गए ये किशोरी जी है, नंद बाबा को गर्गाचार्य जी ने बता रखा था। नंद बाबा ने प्रणाम किया, कहा कि देवी ये तुम्हारे ही स्वामी है, ले जाओ इन्हें यशोदा रानी को जाकर के दे देना, मैं भी गायों को लेकर के आता हूं। किशोरी जी लाला को लेकर के गोदी में लिया, बड़े प्रेम से गोदी में लेके प्यार करने लगी और निकुंजन में प्रवेश कर गई। जैसे निकुंजन में प्रवेश किया है, भंडारी वन में प्रवेश किया, उसी समय लाला गोदी से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। किशोरी जी इधर उधर देख रही है कि कन्हैया कहाँ गया, बाबा क्या कहेंगे, यशोदा रानी को ले जाके यशोदा मैया को देना है। सामने से देखा युगल सरकार चले आ रहे हैं, सामने से युगल रूप धारण करके कन्हैया आ रहे हैं। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हुई, कन्हैया ने कहा कि राधे इस पृथ्वी पर हमें बहुत लीलाएं करनी है, तुम मेरे साथ निकुंजन में रहोगी और साथ में एक बात का ध्यान रखना है कि जिस समय पर मैं वृंदावन ब्रज छोड़कर के जाऊंगा उस समय पर तुम्हें अपनी छाया की जो वृंदा देवी है उसको राधा रूप में स्थापित करना है और मेरे साथ में ब्रज की लता पताओं में, ब्रज के भवनों में प्रवेश कर जाना है। राधा कृष्ण का मिलन हुआ, देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि हे प्रभु मैं चाहता हूं कि आप दोनों शादी कर ले, आगे चल के संसार के लिए आपको ऐसे प्रेमी प्रेमिका का रूप दिखाना है, संसार के लोगों की दृष्टि में आपकी शादी नहीं होगी परंतु मेरी दृष्टि में आपकी शादी देवताओं की दृष्टि में रहनी है। जहां परमाथ गांव में आज भी उस स्थान पर विवाह स्थल है, भंडारी वन में वहीं पर ब्रह्मा जी ने वट वृक्ष के नीचे फेरे कराए, आज भी कहा जाता है भौरे वहां पर आते हैं, कडली वन में आते हैं, भौरे भ्रमण गीत भी गाया था जो गोपियों ने आगे चल के, कभी जाओ ब्रिज में जाकर के भंडारी वन में दर्शन करो, विवाह स्थल के दर्शन करो जहां राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। राधा कृष्ण का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में प्रभु फिर बालक बन के किशोरी जी की गोदी में आ गई।
किशोरी जी कन्हैया को लेकर के नंद भवन में पहुंची, साड़ी भीगी हुई थी, छोटी सी बाल रूप में छोटी सी किशोरी जी ने छोटी साड़ी पहन रखी थी। यशोमत मैया ने देखा किशोरी जी के रूप को देख करके मैया मोहित हो गई, क्योंकि करोड़ों कामदेव जिनके चरणों की नाखून की नख की ज्योति से मोहित हो जाते हैं, इतनी सुंदरता है किशोरी जी में। कहा मैया बाबा जो है गैयान को लेकर के आ रहे हैं, तो लाला को मेरे हाथ भेजो है। मैया ने किशोरी जी को पहनने के लिए साड़ी दी, दूसरे कपड़े वस्त्र किशोरी जी को बदलवाए। लाला को लेके मैया ने दूध पिलाया और पल्ला में लिटा दियो, छोटो सो कन्हैया है। अब किशोरी जी वहां से चल करके, मैया मुझे देर हो रही है, किशोरी जी अदृश्य हो गई। राधा कृष्ण किसी प्रकार से प्रेम भई, अनेक प्रकार की लीलाएं ब्रिज में होती जिनका पार कोई नहीं पा सकता। एक है राधा कृष्ण, एक है, केवल लीला के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। भक्तों आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महाप्राण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।